हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज क्या है? स्कॉर्पियो लेने। सो यस, एज हमारे रुद्र बाबा ने एकदम से अभी बता दिया आपको। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज हम जा रहे हैं अपनी नई नवेली कार की डिलीवरी लेने के लिए। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे ऑफ कोर्स, एंड काफी कुछ हुआ पिछले तकरीबन एक साल में। बहुत सारी कार्स चेंज करी, कभी कोई बुक करी, एंड फाइनली वी आर गेटिंग आर न्यू कार टुडे। पूजा की तैयारियां एंड जो भी डिलीवरी की तैयारियां हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, सब कुछ वी आर ऑल सेट। एंड जो कॉन्सेप्ट महिंद्रा, जहां से मैं अपनी स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी लेने वाला हूं, बहुत ही पास में, ग्रेटर नोएडा में ही है, घर के एकदम समझ लो बाजू में ही है। तो बस वहीं जा रहे हैं। रुद्रा, आर यू एक्साइटेड? तो ये है तैयारी हमारी पूजा की। नारियल, नींबू, दिया, जल एंड अ फ्यू मोर थिंग्स। तो हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ये है माता की चुनरी और ये शिवजी। एंड शिवजी, यस, हम लगाएंगे आइडल। हमारे डैशबोर्ड पे हम शिवजी को बिठाने वाले हैं। सो यस, एंड हमने थोड़ी सी मिठाई मंगवाई है, तो तैयारी हो चुकी है। रुद्र एकदम डैशिंग लग रहा है भाई, लुकिंग गुड। एंड धर्म पत्नी भी रेडी है? हाँ जी, ये हमारा बैग तैयार है। हम जा रहे हैं बाय कैब, दूसरी कार तो यहीं छोड़ के जाएंगे। इसमें हमारी पूजा का सामान एंड एक दो चीजें और। सिर्फ मैं ही पूजा करूंगी, दोनों काले कपड़े पहन के खड़े हो गए। हम तो अपनी एक्चुअली मैचिंग कर रहे थे एक कार से। वी थॉट कि कार का कलर हमारे से मैच करना चाहिए। आज है 19th of May एंड भाई साहब गर्मी एकदम, कहाँ है सूर्य देवता, ओहो बहुत खतरनाक गर्मी है। ब्रदर इट्स टू हॉट यार। तो गाइज, ये है हमारी स्कॉर्पियो एन। अभी बाहर चलते हैं एंड पीटीआई करते हैं, तब तक मैंने कुछ एसेसरीज के लिए बोला है तो वो भी लगवा देते हैं। तो भाइयों, अपना हम जल्दी से अपनी पीटीआई स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का एक एक पार्ट अच्छे से चेक करते हैं, कहीं कोई डेंट कोई स्क्रैच ना हो, बिकॉज भाई इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं तो दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी हाथ में तो आ गई है, थोड़ा फील भी ले लेते हैं। सो यस मैडम, कहाँ से शुरू करें, यही कंफ्यूजन है मुझे। स्टार्ट करो सबसे पहले। सो सबसे पहले ये है हमारी दो चाबियां, दोनों अपनी वही सेंट्रल लॉकिंग के सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये पहला स्टेप। सो हमारी गाड़ी चली हुई है 20 किलोमीटर, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल से भी कम है एक्चुअली, 50-60 तो दिख जाती है, बट ये 20 किलोमीटर चली हुई है। सारे पैनल कैप्स आपको प्रॉपरली चेक करने चाहिए पूरी गाड़ी के, बिकॉज टाटा और महिंद्रा ना इनफेमस है इन चीज़ों के लिए। पेंट भी चेक कर लेते हैं। एक पेंट, वैसे आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ पेंट चेक करने का तरीका। कभी भी सामने से इस तरीके से पेंट चेक नहीं करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए हमेशा साइड से। रिफ्लेक्शन आती है ना, कहीं अगर पेंट हुआ हो बीच में, कहीं कुछ अगर रिपेयर हुआ हो, पेंट वर्क हुआ हो, तो वहाँ पर तो कुछ थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो दिख जाएगा आपको। पेंट वर्क लुक्स ओके रिपोर्ट। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, विंडशील्ड। जब आप ड्राइव करते हैं ना, छोटे छोटे कंकर या छोटे छोटे स्टोन्स आके आपके विंडशील्ड को डैमेज कर सकते हैं, तो मेक श्योर वो आप चेक कर लो। हमारे पास इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी रबड़ वगैरह एक बार चेक कर लेना चाहिए आपको। गाड़ी के जो पार्ट्स बाहर निकले हुए हैं, जैसे कि साइड मिरर, यहाँ पे ही स्क्रैचेस ज़्यादा मिलेंगे, तो ये मेक श्योर आप चेक कर लो। हमारी गाड़ी में तो ओके रिपोर्ट है। मेक श्योर आप इंजन बे भी चेक कर लो अपना, नया है तो साफ है, बट ये अपनी बैटरीज के जो पॉइंट्स होते हैं ये चेक कर लो कि रस्टेड ना हो, एंड कोई लूज पाइप्स या लूज कोई फिटिंग्स ना हो। यूजली होती नहीं है तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट यस ओवरऑल थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख सकते हो। अब ज़रा एक बार अपना वायरलेस चार्जिंग भी चेक कर लो। थोड़ी बहुत एक्सेसरीज लगवा ली हमने। ये रेन वाइजर है, मड फ्लैप लगवाए हैं, अंदर 70 मैट्स लगवाए हैं, सनशेड्स लिए हैं मैंने, जो कि अभी सेटअप करा देते हैं। बहुत बेसिक स्टफ़ है, बिकॉज हमारा यार टॉप मॉडल है।
यहाँ चल रही है लूडो माँ बेटा की। लड़का हमारा हो गया बोर बिकॉज थोड़ा बहुत काम चल रहा है गाड़ी में एंड ही कांट वेट। रुदर कम हियर। ये गुंडा है, गुंडा। अब फाइनल सफाई करवा रहे हैं गाड़ी की एक बारी एंड लेके चलेंगे अपनी प्यारी स्कॉर्पियो एन। So finally, yes, finally. चलिए चलाइए। हाँ जी देखो देखो देखो, शांति नहीं शरीर में। बिल्कुल भी शांति नहीं। रुद्र से नो टू प्लास्टिक। हमें लग रही है भूख बिकॉज बहुत टाइम वेट कराया हमें। कुछ चॉकलेट्स दिए हैं महिंद्रा ने, कॉन्सेप्ट ने चॉकलेट, और ये कुछ इनका वेलकम किट है। वेलकम किट है, देखेंगे क्या है। अभी चॉकलेट है हमारे मतलब की, तो वो खा लेते। हर हर महादेव। सो गाइस, हमारी स्कॉर्पियो एन 3-4 घंटे लगे हमें डिलीवरी में, तो अब लग रही है भूख। हम आ गए एडवांट एंड कुछ खाएंगे पिएंगे। थोड़ा सा एक ड्राइव भी हो गया हमारा, थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर कर ली गाड़ी अपनी एंड अभी चलते हैं। यहाँ थोड़ी सी भीड़ लग रही है। एनीवे, व्हाट डू यू वांट टू ईट? बर्गर। यस, बर्गर खाएंगे। एंड इसमें ना ये ऑटो, ये इग्निशन इसका ऑफ हो जाता है, कुछ सिस्टम है इसका, समझना पड़ेगा मुझे भी। तो बाय द वे, मैडम का बर्थडे है आज, नहीं है परसों है। रुद्र, मम्मा का बर्थडे गिफ्ट है ये कार, पता है आपको? तो आज है 19th ऑफ मे एंड मैडम का बर्थडे आता है 21st मे। 100 मे तो कुछ भी नहीं होता है, 21st मे। तो हमने अर्ली एक एडवांस बर्थडे गिफ्ट दे दिया आपको। इस कार की डिटेल्स, फीचर्स, कौन सा मॉडल है, क्या क्या है इस गाड़ी में, वो सब मैं कभी फिर से बनाऊंगा किसी और वीडियो में। अभी तो बस यही है कि यार एक गाड़ी आ गई है हमारी। हमें पार्किंग नहीं मिली अंदर, इसलिए हमने तो यही ऑर्डर कर दिया। अरे मेरी नई गाड़ी है ना, नंबर नहीं है इसलिए। थैंक यू भैया। रुद्र बर्गर, थैंक यू बोल दो भैया को। सो गाइस, अभी हम आ गए वापस घर, जहाँ हम मॉल में गए थे एडवांट में, जहाँ हमारा खाने पीने का मन था। वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली यार। क्यों नहीं मिली? उसका रीज़न था कि हमारे पास नंबर नहीं था गाड़ी में एंड जो मतलब परमानेंट नंबर नहीं था, टेम्प्रेरी नंबर पे वो एंट्री नहीं दे रहे थे, कुछ इशू था। आई थॉट बाहर हो जाओ, मैंने वहीं ऑर्डर करा बाहर अपना बर्गर, गाड़ी में थोड़ी देर वेट करा एंड वो बर्गर अब घर पे लेके आ गए, घर पे खाएंगे। एंड अभी पार्किंग में गाड़ी बस लगा दी है, थोड़ी देर बाद जाऊँगा फिर से प्रॉपरली पार्क करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा गाड़ी कैसी लग रही है। बहुत ही अमेजिंग लग रही है, बहुत ही बीस्ट टाइप की लुक आ रही है। वैसे भी स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर इज़ द अल्टीमेट बीस्ट। तो यस, रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड। सो ये एक बॉक्स दिया है महिंद्रा ने, एक चॉकलेट का बॉक्स था और ये वेलकम किट है। इसमें है एक मग है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ वेरी यूजफुल एंड एक अपना की चेन। यस, ये है एक डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, विच इज़ गुड। अच्छा है, लुकिंग गुड महिंद्रा। कीज तो इनकी आई थिंक सारी सेम ही होती हैं, बट यस फील्स गुड। सो ये है मेरी पुरानी गाड़ी जो अभी भी मेरे पास है, होंडा सिटी।
एंड ये है हमारी न्यू बेबी द माइटी बीस्ट। लुक एट दिस, मतलब होंडा सिटी को देख लो और इसको देख लो, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पीछे से और भी ज़्यादा फ़र्क दिखता है इन दोनों में। ये देखो भाई साहब, होंडा सिटी एकदम बच्ची लग रही है। एंड ये देख लो, ओए होए होए, ये गाड़ी मैंने पहली गाड़ी अपनी ली थी अपने खुद के पैसों से। इसके पहले एक सेंट्रो थी जो मम्मी ने दिलवाई थी, एंड देन आज ये दिन आ गया। इससे भी आगे अपग्रेड मारेंगे आने वाले टाइम में, बट यस अभी के लिए आई एम हैप्पी। सबसे बेस्ट फील है इस गाड़ी में एक्चुअली, जो ये चल के बैठने में मिलता है ना, नथिंग लाइक इट। प्रीति ऑल्सो वॉन्टेड टू पार्क द कार, मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया तो मैडम ने कहा लेट मी डू इट माई वे। गुड पार्किंग। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एंड अब सोने का टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, कल ऑफिस है, बैक टू वर्क। एंड आज बहुत बड़ा दिन, बहुत स्पेशल डे था हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आगे बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, अब तो बनाने ही पड़ेंगे बिकॉज गाड़ी ली है, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।